हेलो फ्रेंड्स, टेक इज टूवर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आपका फ़ोन में आपका आईडी लॉगिन है और जैसे पहले से आपका आईडी नहीं लॉगिन है, आपका न्यू फ़ोन होगा और अपने आईडी को रिकवर करना चाहते हैं तो बिना नंबर, बिना ओटीपी, बिना यूजर आईडी के रिकवर करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखते हैं फ्रेंड, हमारा इसमें हमारा अकाउंट लॉगिन है और इसमें हमारा अकाउंट लॉगिन है, जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरह से आता है। तो जैसे फ्रेंड आपको बता दें कि जैसे आप अपने फ़ोन में कोई भी आईडी लॉगिन कर रहे हैं, दूसरी आईडी पुरानी लॉगिन करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं बिना नंबर ओटीपी यूजर आईडी के पास बिना, तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है, जैसे देखते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रोफाइल आ जाएगा और जैसे प्रोफाइल आता है यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं एड इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा उसके पर फिर यहाँ से देखते हैं स्विच अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे स्विच अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। जैसे देखते हैं कुछ इस तरह से ये आ जाएगा और ये वाला कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके पर फिर आप अपने फ़ोन में जैसे आपका जैसे इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से प्रोसेस है और यहाँ से है। तो जैसे फिर आप यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो यहां से देखते हैं गेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका यहां से फोन लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहां से देखते हैं फॉरगेट का ऑप्शन है, जैसे आपके यूजर आईडी पासवर्ड रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। देख सकते हैं दोनों प्रोसेस एक ही होता है, जिसे देख सकते हैं सेम प्रोसेस में आ चुका है। आने बाद जैसे देख सकते हैं इसमें हम लॉग इन करना चाहते हैं, जैसे इसमें आप लॉग इन करना चाहते हैं तो एक ही प्रोसेस होता है, तो हम इसमें लॉग इन करेंगे। और जैसे फिर आपको पता नहीं कि आपकी यूजर आईडी आपको कैसे लॉगिन करना है तो यहाँ से आप न्यू फोन होगा या ओल्ड फोन होगा, दोनों सेम प्रोसेस है, इसी तरह से आप लॉगिन कर सकेंगे। यहाँ से जब आ जाएंगे तो सेम प्रोसेस है, इसके आगे आप जितने भी स्टेप फॉलो करेंगे सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ से हम इसको हम रख देंगे, उसके ऊपर से हम इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना यूजर आईडी लिख लीजिएगा। जैसे हम इंटर कर चुके हैं, उसके ऊपर से जैसे यूजर आईडी इंटर कर लेंगे उसके ऊपर से यहाँ से आप अपने फ्रेंड या मित्र में देख लीजिएगा कि आपका यूजर आईडी क्या है। जैसे देखते हैं यूजर आईडी जैसे सही रहेगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से आपको नीचे आपको देख सकते हैं फॉरगेट का ऑप्शन है। तो फिर आपको यूजर आईडी आपको पता नहीं है, यूजर आईडी आपको है लेकिन आप अपने फ्रेंड में देख चुके होंगे और उसको फ्रेंड या मित्र में देखने के बाद यहाँ से इस तरह से आ जाएंगे और इसमें फिर हो जाएंगे। ओपन होने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से अब यूजर आईडी वही हम लिख के इसमें दिखाएंगे। जैसे देखते हैं रिया जी यहाँ से यूजर आईडी अपने फ्रेंड में देख चुके हैं तो हमारा यूजर आईडी यही है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से देखते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेम प्रोसेस होता है, जैसे देखते हैं रिसेट कंट्री ऑप्शन है तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉरगेट ऑप्शन पर तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपका दे देगा, जो देख सकते हैं यहाँ वीडियो करने के लिए ऑप्शन देता है। और इस पर जब क्लिक करेंगे, जैसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से इस पर आ जाना है। जिस पर आएंगे तो यहाँ से देखते हैं नो गेट हैव एक्सेस का ऑप्शन है और इसमें देखते हैं सेल्फी का ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग का, वीडियो को आईसी का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपके पास है, नहीं तो यहाँ से गेट हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे गेट हेल्प ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से आपको इस तरह से शो कर देगा। और यहाँ से देखते हैं यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो तुरंत आपका यहाँ से फ़ोन लोडिंग लेगा और यहाँ से जैसे लोडिंग लेगा तो उसके ऊपर फिर डायरेक्ट आपको यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। जैसे देखते हैं सेम प्रोसेस से आ चुके हैं और इस तरह से सेम प्रोसेस से आ चुके होंगे। फिर यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, जैसे यहाँ से हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो जैसे हम इंग्लिश में आपको दिखाएंगे तो जैसे यहाँ से हम क्लिक करने के बाद यहाँ से आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में आएगा योर अकाउंट हैव बीन डिसेबल और यहाँ से देखते हैं रिकवर योर एक इंस्टाग्राम अकाउंट पासवर्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ से सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको विजिट दिस पेज का ऑप्शन आता है। जैसे विजिट दिस पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो जैसे डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से आ जाएंगे। उसके ऊपर से फिर जब यहाँ से आएंगे तो आपका अकाउंट का पासवर्ड पता नहीं है और आपका बाय द वे आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो यहाँ से आपको शो करेगा। जैसे फिर हमारा यहाँ से अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता, आपका हैक अकाउंट होगा अगर, तो फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर से यहाँ जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका यूजर आईडी पूछेगा तो यहाँ से अपना यूजर आईडी आप इंटर कर लीजिए। जैसे देखते हैं हम यूजर आईडी इंटर करेंगे, जैसे यूजर आईडी इंटर करेंगे यहाँ से सेंड का ऑप्शन है, जैसे सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर फिर आपका यहाँ से यूजर आईडी सही रहेगा, तुरंत आपके नंबर पर मैसेज जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे नंबर पर मैसेज आ चुका है। और जैसे
उसके ऊपर से फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपने मैसेज को, तो तुरंत ओपन करने के बाद यहाँ से आपका इंस्टाग्राम का मैसेज आया होगा इस तरह से। और जैसे इस तरह से मैसेज आएगा तो इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तुरंत इस तरह से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा न्यू, और यहाँ से जो फर्स्ट में इंटर करेंगे वही आपको सेकेंड में इंटर करना है। और सेम प्रोसेस से आप करेंगे तो आपका सबसे आसान तरीके से आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इंटर कर लेते हैं। जैसे देखते हैं पासवर्ड जिसमें जो इंटर किए उसमें ही इंटर करना है। उसके ऊपर से यहाँ से जैसे नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रिसेट पासवर्ड सेटिंग का, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। और जैसे ही लोडिंग लेगा उसके ऊपर से यहाँ से आपका पासवर्ड सही रहेगा, दोनों मैच करेगा, तुरंत आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। और इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी लॉगिन करके यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से रिकवर करके लॉगिन करके यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।